ने कुछ खाया भी नहीं। मैंने खाया, अच्छे से खाया है। पक्की बात है ना? अच्छा, गुल के बारे में मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने आफाक को खास गुल के लिए बनाया, वही आदतें, वही मिजाज। बिल्कुल ठीक कह रही हो, काफी सादा मिजाज का और सुलझा हुआ लड़का है। अम्मी मगर मुझे एक एतराज है। क्या? आफाक मुझे गुल से थोड़ा बड़ा लगा। कितना बड़ा होगा, 4-5 साल? और ये कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं? मेरा ख्याल है इतना फर्क तो होना ही चाहिए, लड़के जरा मैच्योर होते हैं। फिर इसका मतलब है हमें इसकी शादी के लिए 2-3 साल तो वेट करना चाहिए। क्यों 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 क्यों, इस बात में मेरी शादी कहां से आ गई? क्योंकि अभी बाबा ने कहा है ना कि मैच्योरिटी 28-30 साल के बाद ही आती है, तो वेट कर लेते हैं। और आपको लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूं? तुम्हें लगता है तुम मैच्योर हो? पूरा दिन आवारा गर्दी करते हो, घूमते फिरते हो, कोई काम करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए ना बंदे को मैच्योर होना चाहिए। क्या हो गया असद आपको, क्या उसके पीछे पड़े रहते हैं आप? भाभी आपके शोहर ना बहुत ओवर हो रहे हैं। अच्छा भाई, क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मरियम मैं जरा ना थोड़ी देर के बाद जाऊंगी अम्मा की तरफ, वो गुल की रस्म के लिए कुछ उनसे मशवरा करना है। अच्छा चलें, सही है, ठीक है। अम्मी मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें वहां जाने के लिए ना किसी वजह की जरूरत नहीं है, सारा दिन तो वहीं बैठे रहते हो। भाई ये तो ड्रामा जबरदस्त हो गया, यकीनन मेरा घर देख के तो वो मुतासिर हो ही है। और आजकल की लड़कियों को और क्या चाहिए, किस चीज से इंप्रेस होती हैं? शानदार घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है, जिब्रान तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा अमीर है। इतना शानदार महल मैंने तो सिर्फ ड्रामों में ही देखा था, और दौलत तो बहुत होगी इसके पास, तभी तो पहली ही बार हीरे का ब्रेसलेट दे दिया। मलका आलिया को उसका महल दिखाने के लिए लाया हूं। ये वो घर है जो आपके बिना सोना है, अधूरा है। मैं चाहता हूं कि प्लीज रुशना तुम इस घर में आ जाओ, इस घर की मलका बन के आ जाओ। आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एंगेज्ड हूं और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। जानता हूं लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूं, क्या करूं मैं? रश्ना, आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो और मुझे गलत मत समझना, मेरे दिल में तुम्हारा बहुत एहतराम है और मैं इज्जत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ।